असलम एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन थर्टी फोर विच इज़ रिगार्डिंग कामन इंटेंशन आर वी कैन से जॉइट लाइबलिटी एंड सेक्शन थर्टी एट विच इज़ एक्सेप्शन टू द सेक्शन थर्टी फोर दामन इंटेंशन अच्छा वैसे जनरली देखा जाए तो ये जो जॉइंट लाइबलिटी का कॉन्सेप्ट है It has been discussed in three different places of Pakistan Penal Code in three uh, different uh, we can say terms. Like it is joint liability is discussed under section thirty-four uh, in the form of common intention. And it is also explained or uh, discussed in section 109 in the form of punishment for abatement. And also, it is discussed or uh, we can say mentioned in section 149 in the form of punishment for unlawful assembly. but in today's lecture we are going to discuss only one aspect of uh, the joint liability provided in pakistan penal code uh, which is common intention and in under section 34 of pakistan penal code and the exception to this uh, joint liability uh, in the form of common intention so, we will discuss Section 34 and 38. Section 34 is regarding say, common intention and Section 38 is exception to it. So, let's start uh, by reading it. Section 34. Acts done by several persons in furtherance of common intention. When a criminal act is done by several persons in furtherance of, uh, of the common intention of all,

कामन इंटेंशन ऑफ ऑल वो अपंस हुआ है तो क्या रिजल्ट होगा ई सच पर्सन इज लाइबल फॉर देट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन अलो तो वो जो भी बंदे हैं चाहे वो तीन हैं चार हैं दो हैं दस हैं बीस हैं जितने भी हैं उन सब के लिए ऐसे माना जाएगा ऐसे कंसीडर किया जाएगा कि जैसे कि उन सब में से किसी एक बंदे ने अकेले ने हर एक बंदे ने अकेले अकेले वो अपंस किया है अब मैं इसकी इसको समझाने के लिए एक प्लेस्टेशन जहां पे ड्रा कर रहा हूं मैं कर अच्छा फॉर एग्जांपल चार लोग हैं ए बी सी एंड डी वो चारों कोई भी अगर अफेंस करते हैं जाके चारों मिलके और वो उन चारों के देखें इसका ये है इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट हो चलें पहले इनके इंग्रेडिएंट्स को हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन कौन से सेक्शन थर्टी फोर के अंडर कौन से ऑफेंसेज आएंगे और उनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं किन सिचुएशंस में हम कहेंगे कि ये कॉमन इंटेंशन है या कहाँ पर सेक्शन थर्टी फोर होगा अब जहाँ पर कोई भी क्रिमिनल एक्ट हुआ हो नंबर वन इंग्रेडिएंट ये है नंबर टू है जो कि सेक्शन खुद ही बता रहा है कि सेवन पर्सन हो सेवन पर्सन मतलब एक से ज्यादा हो चाहे फिर वो कितने भी हो uh, क्या करें इन ऑफ कॉमन इंटेंशन तो थर्ड इंग्रेडिएंट इनका हो गया कॉमन इंटेंशन

क्रिमिनल एक्ट हुआ हो और सेवरल पर्सनस ने किया हो और कामन इंटेंशन के साथ किया हो फिर इसका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो एक्ट है वो किसी एक बंदे ने किया है या दो ने किया है सारों ने किया है या नहीं किया है अब सेक्शन थर्टी फोर में जो जॉइंट लाइबिलिटी का ये कामन इंटेंशन का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है इसमें इट डज़ नॉट मैटर कि किसी ने फिजिकली पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है वैसे जनरली अगर किसी भी अफेन्स को देखा जाए तो उसके दो मेन एलिमेंट्स होते हैं अब किसी भी ऑफेंस के दो एलिमेंट्स होते हैं जिनका हम कहते हैं कि और एंड अब सेक्शन थर्टी फोर में कह रहा है कि यहाँ पे एक्टस रियस की जरूरत नहीं है अगर किसी की पार्टिसिपेशन फिजिकल पार्टिसिपेशन अगर नहीं भी है तो भी ए, उसके उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर भी सेक्शन थर्टी फोर एप्लीकेबल हो सकता है वहाँ पे ए, हम इसको ए, कह सकते हैं कि ये जो ऑफेंस हुआ है इन दर्दरेंस ऑफ कामन इंटेंशन हुआ है सिर्फ मेंस रिया की एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है कि चाहे वो बंदा प्रेजेंस हो या ना हो लेकिन प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हो उसकी बाकी जो भी ऑफेंडर्स हैं अक्यूज हैं उनके साथ ठीक है इसमें ये लाजमी नहीं है कि वो बंदा उधर एक्टिव है काम कर रहा है या नहीं कर रहा या अगर अगर हम कत्ल का कोई एग्ज़ाम्पल लें तो उसने कत्ल किया है या नहीं किया उसने गोली मारी है या नहीं मारी है उससे फायर करने से ए, कोई भी ए, उसको डिफरेंस नहीं आएगा ये हम एक क्लस्ट्रेशन एक्सप्लेन कर देते हैं तो, तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फॉर एग्जांपल अगर ये चार बंदे हैं इन्होंने चारों ने कॉमन इंटेंशन में किसी का कत्ल किया है एक्स का कत्ल किया है अगर अगर इनके हम देखें चारों के चाहे रोल उसमें हैं एक डिफरेंट रोल्स हैं लेकिन फिर भी उनको हम कह सकते हैं कि एक सबको बराबर की सज़ा हो सकती है फॉर एग्जांपल अगर इनके रोल इस तरह डिफरेंट हुए हुए कि ये जो ए है वो अंदर गया है किसी भी हाउस में या किसी भी शॉप में कहीं पे भी अगर ये कत्ल हुआ है इसने एक जो है ना पिस्टल के फायर किए हैं और ये दो बंदे जो हैं ये उसकी सपोर्ट में थोड़ा दूरी खड़े हुए हैं कि कोई इसको एक को नुकसान ना पहुंचाए या एक को रोके ना और जो डी है फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी में आए हैं और ये ड्राइवर है इसका तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ए सिर्फ ड्राइवर है उसने कोई उस क्या कह सकते कहते हैं कि उसने कोई भी गोली वगैरह नहीं चलाई कोई फायर नहीं मारा या सी और डी जो हैं ये सिर्फ़ इसके ए के प्रोटेक्शन में खड़े हुए हैं उन्होंने भी कोई फायर वगैरह नहीं मारा फायर सिर्फ ए ने मारा है चारों के रोल डिफरेंट हैं लेकिन फिर भी उनको अंडर सेक्शन थर्टी फोर कामन इंटेंशन के तहत क्योंकि उनका इंटेंशन ये था कि उनका जो पर्पज़ था वो आए इसीलिए थे कि उसको एक्स को वो कत्ल करके जाएँ तो इसलिए चारों को सेम पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन थर्टी फोर का मतलब यही होता है कि जो भी बंदे हैं दो या दो से ज़्यादा हैं उन चारों को सेम पनिशमेंट दी जाएगी चाहे उन चारों के जो एक्ट्स हैं वो सेम नहीं भी हो सिर्फ़ उनका कॉमन इंटेंशन हो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हो उन्होंने सेम इंटेंशन के साथ कोई भी ऑफेंस किया हो तो हम वहाँ पे कहेंगे कि सबको सेम बराबर की सज़ा मिलेगी अच्छा अगर हम सेक्शन थर्टी एट को फिर देखें तो वैसे जनरली देखा जाए तो ये थर्टी फोर कोलीहद पढ़ा जाता है थर्टी एट कोलहदा पढ़ा जाता है लेकिन ये थर्टी एट एक एक्सेप्शन है थर्टी फोर में कि किन सिचुएशन में फिर चाहे वो लोग मिल के भी अपंस कर रहे हैं फिर भी हर एक को अपने अपने एक्ट की सज़ा मिलेगी सेक्शन थर्टी फोर के तहत ये नहीं है ना कि हर एक को अपने अपने एक्ट की सज़ा मिलेगी नहीं चाहे किसी ने कोई भी एक्ट किया है जो उन्होंने अफेंस किया है उस अफेंस की को सज़ा मिलेगी अब थर्टी फोर को देखा जाए तो यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे जिस तरह इसकी वर्डिंग है खुद के ईच पर्सन इज लाइबल फॉर देट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन अब यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में हम ये मानेंगे कि जैसे ए ने कत्ल किया है अलोन बी ने कत्ल किया है अलोन सी ने कत्ल किया है अलोन डी ने कत्ल किया है इट से ये हम इससे कंसिडर मानेंगे ताकि सबको सेम से पनिशमेंट के अंदर ला सकें अच्छा कमिंग टू दी सेक्शन थर्टी एट परसेंस कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस ठीक है उनका क्रिमिनल एक्ट तो एक ही क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं रिजल्ट एक ही बन रही है उनके क्रिमिनल एक्ट की लेकिन हो सकता है कि उनको डिफरेंट ऑफेंसेस की सजा दी जाए सेवर आर एंगेज आर कंसर्न इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट दे में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसिस बाई मीनस ऑफ देट एक्ट यहाँ पे तो यही था ना कि वो कॉमन इंटेंशन होगा तो ऐसे माना जाएगा कि उन सब के लिए कि जैसे उन्होंने हर एक ने ले जो है ना वो अफेंस किया है लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं उनकी उनसे ये भी रिजल्ट आ सकती है कि जैसे कि उन्होंने डिफरेंट अफेंसिस की हैं ठीक है गिर डे दे में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस अब इसकी इलस्ट्रेशन है वो पहले पढ़ते हैं उससे चीज़ें क्लियर होंगी Achhaji. Illustration. A attacks Z under such circumstances of uh, grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide, not amounting to murder. B having ill will towards Z and intending to kill him and not having been subject to the provocation, assist A in killing Z. Here दो एंड बी आर बोथ इंगेज इन काजिंग बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर एंड ए इज़ गिल्टी ऑफ ओनली ओनलीमेसाइड अब देखे यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है ना वो जी को जी पे अटैक कर रहा है उसका कत्ल कर रहा है लेकिन क्या है वो ए प्रोवोकेशन के ए जो है वो अंडर प्रोवोकेशन है ठीक है अब ए का जो उसको जी को क्लिंग करने की वजह है वो क्या है सेकंड ऑफ ग्रे प्रोवोकेशन इसको अभी ग्रे प्रोवोकेशन है ए को जिसकी वजह से वो जी को अटैक कर रहा है लेकिन बी का रोल यहाँ पे क्या है बी की वजह क्या है उसको कतल करने की बी हैविंग विल अब बी जो है उसके साथ जी के साथ इसकी कोई दुश्मनी होगी विल की वजह से इल विल है इसकी Uh, जिसके तहत वो इसको कत्ल करना चाह रहा है तो बी हैविंग इल विल ट्ड्स जी एंड इंटेंडिंग टू किल हिम उस इंटेंशन के साथ उसको किल करना चाह रहा है एंड नॉट हैविंग बिन सब्जेक्ट टू दी प्रोवोकेशन यहाँ पे बी जो है वो अंडर सट अंडर ग्रे प्रोवोकेशन नहीं है उसकी अपनी इल विल है कोई दुश्मनी वगैरह है जिसकी वजह से इसको किल करना चाह रहा है जी को लेकिन ए जो है वो अंडर प्रोवोकेशन आके जी को कत्ल कर रहा है एंड not हैविंग बिन सब्जेक्ट टू द provocation, असिस्ट ए इन किलिंग जी ठीक है अब ये जो बी है ये ए को असिस्ट कर रहा है जिस तरह यहाँ कह रहे हैं असिस्ट ए इन किलिंग बी किलिंग जी ए बी यहाँ पे ए को असिस्ट कर रहा है के जी को किल करें अब इन दोनों ने मिल के जी को किल किया है हेयर दो एंड बी आर बोथ engaged इन causing जीज डेथ बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर एंड ए इज गिल्टी ऑफ ओनली कल्पेबल होमिसाइड अब बी गिल्टी है किसका मर्डर का क्यों क्योंकि उसकी एलविल थी ठीक है एल विल में आके और इंटेंशनली उसने कत्ल किया है और बी ने और ए जो है वो गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है वो इसलिए कि वो था ग्रे प्रोपेशन के अंडर इसीलिए उसने उसको कत्ल किया है तो दोनों का जो पर्पस ऑफ किलिंग है वो डिफरेंट है तो इसीलिए उनकी पनिशमेंट भी डिफरेंट हो जाएगी अब ये वही मेंस रिया वाली बात आ जाती है कि इन दोनों की जो इंटेंशन है उन दोनों का जो रिया यहाँ पे बन रहा है जो मोटिव बिहाइंड द किलिंग है वो डिफरेंट है तो इसीलिए उनकी पनिशमेंट भी डिफरेंट हो जाएगी चाहे उन दोनों का इंटेंशन uh, उसको किल करने का है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो उनका कॉमन इंटेंशन नहीं है ठीक है उनका इंटेंशन तो है दोनों का जी को कतल करने का बी भी कतल करना चाह रहा है जी को और ए भी कतल करना चाह रहा है जी को और दोनों ने मिलकर कतल भी किया है इंटेंशन दोनों का कतल करने का ही है लेकिन दोनों का कॉमन इंटेंशन नहीं है ए ने कत्ल किया है अंडर प्रोवोकेशन बी ने कत्ल किया है एलविल की तहत तो इसीलिए इन दोनों को पनिशमेंट डिफरेंट होगी अच्छा अब ये कल्पबिल होमसाइड और मर्डर में क्या फ़र्क है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले होप्स हो कि ये इलस्ट्रेशन आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि इसमें क्या है कि इंटेंशन तो दोनों का है जी को किल करने का ए ने भी उसको किल किया अगर हम सेक्शन थर्टी को देखें तो सेक्शन थर्टी यही कह रहा होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग अगर कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो उनको जॉइंट लाइबिलिटी के तहत सबको सेम सज़ा दी जाएगी लेकिन थर्टी एट कह रहा है कि नहीं अगर उनका इंटेंशन डिफरेंट है उनका इंटेंशन यहाँ पे देखें कामन नहीं बन रहा चाहे एक्ट उनका देखा जाए तो जो रिज़ल्ट है कि ए ने और बी ने मिल के जी का कत्ल किया है उस रिज़ल्ट से देखा जाए तो ऐसे लग रहा है दोनों का कॉमन इंटेंशन है लेकिन जो मोटिव बिहन देट इंटेंशन है तो more, जो मोटिंग बिहड किलिंग जी है वो दोनों का डिफरेंट है ठीक है तो इसलिए दोनों को डिफरेंट डिफरेंट सजा मिलेगी अब आते हैं कि कपल होमेसाइड और गिल्टी ऑफ और मर्डर में क्या फर्क है अच्छा जी वैसे जब हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो वहां पे किसी भी अगर ह्यूमन की किलिंग है तो उसको हम बोलते हैं होमिसाइड इसकी आगे फिर डिफरेंट किस्म हो जाती है एक हो जाती है कल्पेबल होमे साइड और दूसरी हो जाती है हमारी इनकल्पेबल अब इनकल्पेबल में कौन से आ जाते हैं कि ये इनकल्पेबल जो है ना वो फिर अफेंस नहीं रहता ठीक है इसको हम कह सकते हैं कि नॉट अफेंस इसमें जिस तरह प्राइवेट डिफेंस आ गया इसमें जो भी कत्ल होते हैं वो जस्टिफाइड बाय लॉ होते हैं जस्टिफाइड बाय ला होते जिस तरह अगर किसी को फांसी देना तो है तो वो भी होमेसाइड लेकिन वो इनकल्पेबल होमेसाइड है कि उसमें वो जस्टिफाइबल बाय ला है और वो अफेंस नहीं है अब आते हैं जो हमारा आज की ये है कल्पेबल होमेसाइड अब इसमें भी दो तो किस्म है एक मर्डर हो जाता है इसकी इनकल्पेबल होमेसाइड की आगे एक्सप्लेनेशन है लेकिन कभी जब होमेसाइड को एक्सप्लेन कर रहे होंगे हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे करेंगे अभी हमारी सिर्फ कंसर्न है इसके साथ कि यहाँ पे जो चीज़ यूज़ हुई है कलपेबल होमेसाइड और गिल और मर्डर तो इसमें क्या फ़र्क है कल्पेबल में भी दो फिर आगे किस्म आ जाती है एक मर्डर हो जाता है और दूसरा है कल्पेबल होमिसाइड अब इन में क्या फ़र्क है ये हम देख लेते हैं ठीक है अब ये मर्डर वो होता है कि जो इंटेंशनली विदाउट एनी प्रोवोकेशन या मिटिगेटिंग सरकम अगर किसी को कोई कत्ल करे तो उसको हम बोलते हैं कि ये इसने मर्डर किया है कल्पेबल होमेसाइड में अच्छा इसका हम कल्पेबल होमिसाइड नहीं इसको हम मैन स्लाटर कहते हैं सॉरी ठीक है अब ये है तो कल्पुल होमे साइड लेकिन कल्पेपुल होमे साइड के फिर एक मिनट ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक होता है मैटर और इसमें हम दूसरे को कहते हैं मेंस स्लाटर ठीक है तो यहाँ पे जो उसने कल्पा बिल होमेसाइड कहा है ना ऐसी कोई हम दूसरा नाम भी वैसे देते हैं मैन स्लाटर का लेकिन कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम मैन स्लाटर ही लिख देते हैं अब मर्डर जो होता है वो इंटेंशनली जो भी किसी की किलिंग होती है और वो कल्पिल भी बन रहा हो तो वो मर्डर होता है और दूसरा जिस तरह अगर कोई मिटिगेटिंग सर्कम हो गए किसी को अन, किसी ने अंडर प्रोवोकेशन कोई भी अफेंस किया है तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये इसने मैन स्लाटर किया है इनको हम दूसरी भी एक वर्ड देते हैं कि जो मर्डर है इसको हम ग्रेड ए का मर्डर कहते हैं कि ये ग्रेड ए का मर्डर है और ये ग्रेड बी का मर्डर है और इन दोनों के रिजल्ट में क्या फ़र्क होता है जिसने ग्रेड ए का मर्डर किया होता है तो उसको आ, फांसी की सजा हो सकती है ठीक है और जो ग्रेड है जिसने ग्रेड बी का ऑफेंस किया होता है जिस तरह ये मेन स्लाटर है अंडर सडन प्रोवोकेशन किसी ने कोई भी आ... कत्ल किया है या मीडिगेटिंग सरकमटांसिस हैं जिनकी वजह से उसने कोई कत्ल किया है तो उसको डेथ पेनल्टी नहीं होती है उसके अलावा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है दस साल की चौदह साल की और जितनी भी जो भी इम्प्रिजनमेंट है वो हो सकती है लेकिन डेथ पेनल्टी उसको नहीं दी जा सकती डेथ जो डेथ पनिशमेंट है वो सिर्फ ग्रेड ए के जिसने मर्डर किया हो उसको दी जा सकती है तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये था कि ए जो है उसने ए ने जो है ना अंडर प्रोवोकेशन उसने कत्ल किया है तो यहाँ पे इसने कहा था एज गल्पा गोमी साहब ए जो है उसने अंडर प्रोवोकेशन उसने किया है तो इसको अभी उस उसकी सज़ा मिलेगी मतलब इसको डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी लेकिन जो बी है उसने इल विल के तहत मर्डर किया है उसका जान बूझ के आ, किल किया है जी को तो इसको ए कैटेगरी की ए ग्रेड के आए ऑफेंस की कत्ल की सजा दी जाएगी विच कैन बी डेथ पेनल्टी ठीक है तो ये था आज का हमारा सेशन uh, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके जो जॉइंट uh, लाइबिलिटी के या कॉमटे के जो दूसरे सेक्शंस हैं जो इनके बीच में हैं थर्टी फाइव थर्टी सिक्स और थर्टी सेवन